ये बच्चा चोरी हो रहा है सर? नहीं, जांच होने नहीं जाए, कैसे आरोप लगा दिया डायरेक्ट बच्चा चोरी हो रहा है? किस तरह से फोन करते हैं अभी आपके जनता के लिए? हम आपके पास 5 बार फोन किए हैं। हम रात से लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए हैं, हम लगे हुए हैं। डीएस देख रहा है अंदर में, सदर अस्पताल आरा में सर बच्चा चोरी का आरोप लग गया। और भीड़ देखिए कि किस तरीके से पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस फोर्स की टीम भी यहाँ पे आई हुई है। और यहाँ ये है कि कोई गार्जियन अपने बच्चे का चोरी का इल्जाम क्यों लगाएगा? आखिर उसको क्या मिल जाएगा? मिठाई मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा या क्या मिलेगा सर? आखिर चोरी का इल्जाम क्यों लगेगा? राना हर जगह तक कार्रवाई होगा ना, ये आश्वासन दीजिए ना। बच्चा चोरी का आरोप लग जा रहा है सर, आप ही के सदर अस्पताल? सदर अस्पताल हम नहीं दे, फैली धक है, बच्चा छीन था, वो स्टाफ था। हाँ हाँ, बोलो स्टाफ। मैडम हमके बच्चा 15 साल पे जन्म लिया था। 15 साल के बाद आपको बेटा का सुख मिला है? और बेटा को गायब कर रहा था? कितने साल पे कौन तपस्या करने के ऑपरेशन करके बच्चा बता हमारे आदमी? पहली बार हम लोग भी सुन के बड़ा वो चौक गए हैं। लेकिन कोई आरोप कैसे लगा सकता है? कोई गार्जियन अपने ही बेटे का चोरी का आरोप क्यों लगाएगा? आपकी अब हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाते हैं, माँ का बयान सुनाते हैं कि आखिर सचमुच यहाँ पे बच्चा चोरी होता है। और अगर बच्चा चोरी होता है बिहार में, तो फिर आपका बच्चा जो है, अगर ऑपरेशन होने के लिए गई माँ और डिलीवरी हुआ और बच्चा गायब हो गया, तो फिर आपके साथ क्या होगा? ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि अगर इस तरीके से होता है तो सतर्क हो जाइए आप भी बिहार में, वरना बच्चा आपका भी चोरी हो सकता है डिलीवरी के समय में। और देखिए यहाँ पे माँ है। तो देखिए भैया, अभी हम लोग बिहार के आरा में हैं और तस्वीर हम आपको दिखा दें, प्रस्तुति एवं स्त्री रोग विभाग में है। और यहाँ पे कई सारे आरोप लगा रहे हैं, आप बच्चा डिलीवरी कराने जा रहे हैं और ये आपके साथ भी हो सकता है, सतर्क रहिए और पूरा वीडियो जरूर देखिए आप। चलिए अब पता करते हैं, अंदर में CSDS और सभी लोग यहाँ पे मौजूद हैं और हुजूम भीड़ जो है इस तरीके से लगी हुई है। सर 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 आरोप लग रहा है सर, क्या कुछ जाँच हो रहा है? जाँच हो रहा है, ये बच्चा चोरी हो रहा है सर? नहीं, जांच होने दी जाए, ऐसे कैसे आरोप लगा दिया डायरेक्ट बच्चा चोरी हो रहा है? जो गार्जियन है उन्होंने कहा है कि तो कहने दिए, जांच आरोप बोल रहा हूँ मैं, आरोप लगाया, ठीक है, जांच हो रहा है। तो ये क्या मतलब सर, ये बिना आरोप बिना जांच के हम नहीं बोल देंगे? अच्छा, ये क्या लड़का था या लड़की थी, हुई थी? अभी पता नहीं अभी। अच्छा सर, किस तरह से फोन करते हैं अभी आपके? हम RJD के अति पिछड़ा के अध्यक्ष हैं और जनता के लिए हम आपके पास 5 बार फोन किए हैं। रात में कहाँ थे आप? रात में कहाँ थे? हम रात से लगे हुए हैं। नहीं लगे हुए हैं, हम रात से लगे हुए हैं। किन पे किन पे आरोप? किसको किस पे आरोप लग रहा है सर? बच्चा चोरी का? बच्चा चोरी कर रहे हैं, डीएस जांच कर रहे हैं भाई, डीएस जांच कर रहे हैं। जांच में कौन कौन कमेटी में लोग है ये तो बताइए, कौन कौन कमेटी में? कौन डीपीएम को फॉर्म कर रहा है कमेटी? बड़ा आरोप कैसे हो सकता है? डीएस देख रहा है अंदर में। सर सदर अस्पताल आ रहा में सर बच्चा चोरी का आरोप लग गया? बच्चा चोरी का आरोप लग गया, क्या फैक्ट्स है ऐसे? हम पहले नहीं बोल देंगे। प्रसूति वार्ड में पदस्थापित GNM पर आरोप लगाए कि उसने तो जांच कर रहा है ना, प्रसूति विभाग में है वो डीएस। कार्रवाई होगी ना सर? कार्रवाई जरूर होगी। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा दें कि अभी हम लोग सदर अस्पताल आरा में है और भीड़ देखिए कि किस तरीके से पुलिस भी यहाँ पे मौजूद है, पुलिस फोर्स की टीम भी यहाँ पे आई हुई है और यहाँ पे जो है सुरक्षा कारणों की नज़र से यहाँ पे पुलिस को भी लाया गया है। अब हम अंदर देखे चलते हैं कि किस तरीके से जो है लोग जो है यहाँ पे अफरा तफरी का माहौल है। और देखिए यहाँ पे DS साहब है। DS साहब, क्या कुछ हुआ है? बड़ा गंभीर आरोप लग रहा है, बच्चा चोरी का आरोप लग गया। ऐसा भी होता है क्या, बच्चा भी चोरी हो जाता है क्या? प्रस्तुति विभाग से लेके भभुआ और रोहतास तक कहीं काम नहीं हो रहा है, यहाँ काम हो रहा है, आज तक कभी भी ऐसा आरोप नहीं आया है। लेकिन जो भी अगर आया है तो उसका क्या तरीका, प्रक्रिया क्या है? आपने आरोप लगाया, आपने कहा कि DS चोर हैं, ठीक है, तो DS को तुरंत जेल नहीं दीजिएगा, क्या कीजिएगा आप? आरोप पत्र दे दीजिएगा CS को, CS टीम गठित करेंगे। एक सवाल सर, आप एक बहुत स्ट्रांग मीडिया हैं, आपके साथ जाना चाहिए। प्रक्रिया यही था कि अगर बच्चे के चोर आरोप लगा है तो आप हमको दे दीजिए, हम एक कमेटी बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग कमेटी बनाएंगे और उस पर करके लेके DM CS सर को हम लोग दे देंगे। सर सवाल ये है कि कोई गार्जियन अपने बच्चे का चोरी का इल्जाम क्यों लगाएगा? आखिर उसको क्या मिल जाएगा? मिठाई मिलेगा, रसगुल्ला मिलेगा या क्या मिलेगा सर? आखिर चोरी का इल्जाम क्यों लगेगा? राणा बउआ, एक दिन 24 घंटे में क्या दुनिया इधर उधर हो रही है? नहीं ना, 24 घंटे में हमको निर्णय करने दीजिए ना, आके कमेटी बना के हमको निर्णय करने दीजिए ना, हर जगह तक कार्रवाई होगा ना, ये आश्वासन दीजिए ना। मैं कमेटी बना के निर्णय अपने सीनियर को, DM सर को, CS सर को दूंगा, कार्रवाई उनको करनी है।
मैं जरूर, मैं ये कहता हूँ कि दूध का दूध पानी का पानी कमेटी जरूर करेगी। आप एक बहुत अच्छे सर्जन हैं और यहाँ पे देखिए ये जो है ना गोली निकालने में बहुत स्पेशलिस्ट हैं विकास सर हैं, लेकिन बच्चा चोरी का आरोप लग जा रहा है सर आप ही के सदर अस्पताल में। सदर अस्पताल में पिछले 10 साल से मैं काम कर रहा हूँ, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा ऑपरेशन करने वाला मेरा सदर अस्पताल है। पहली बार हम लोग भी सुन के बड़ा चौंक गए हैं। लेकिन आरोप कैसे लगा सकता है, कोई गार्जियन अपने ही बेटे का चोरी का आरोप क्यों लगाएगा? आपकी बात मैं समझता हूँ, उस पर हम लोग इंक्वायरी करने दीजिए ना, उसका जो तथ्य होगा। पब्लिक भी झूठ नहीं बोलती है, सिस्टर भी झूठ नहीं बोल रही है। अब सच्चाई तभी आएगा ना जब कमेटी अपनी रिपोर्ट दे देगी। कार्रवाई का देखिए कार्रवाई होगी, क्योंकि आज तक आपने बोला कि इतना हुआ है। अस्पताल पूरे बिहार में नंबर वन है, हम दावे के साथ करते हैं, डाटा के साथ। इतना ऑपरेशन पूरे बिहार में किसी अस्पताल में नहीं होता है पीएमसीएच के बाद। चोरी का आकलन लग गया, आरोप हमारे हॉस्पिटल सदर अस्पताल आरा पे लगा है। इससे हम लोग को भी दुख है, इस पर हम लोग इंक्वायरी करेंगे और जो दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा। नहीं जाएगा सीधी तौर पे इन्होंने कहा देखिए हुजूम है, भीड़ है, कई सारे लोग हैं। अच्छा कौन है, गार्जियन कहाँ है, क्या हुआ था आप लोग? देखिए कल रात में ये लोग आया था जिनका डिलीवरी हुआ था, ये जो शाहपुर के रहने वाले थे ये लोग। वो गार्जियन कहाँ है? गार्जियन पास में बुलाइए उनको, बेटे बुलाइए, आइए आइए अंदर। माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, बेटा कहाँ है, माँ के साथ आइए अंदर। माँ के साथ, माँ के साथ जो है उनसे हम बात करते हैं कि क्या कौन है। आइए माँ कहाँ है। तो देखिए ये प्रसूति विभाग का जो है, इसमें कई सारे जो है पेशेंट आए हुए हैं और वो डिलीवरी करवा के यहाँ पे आए हुए हैं, और डिलीवरी करवाने के बाद जो है वो बच्चे को जो है यहाँ पे रखा जाता है। अब हम आपको एक्सक्लूसिव दिखाते हैं, माँ का बयान सुनाते हैं कि आखिर सचमुच यहाँ पे बच्चा चोरी होता है। और अगर बच्चा चोरी होता है बिहार में तो फिर आपका बच्चा जो है अगर ऑपरेशन होने के लिए गई माँ और डिलीवरी हुआ और बच्चा गायब हो गया तो फिर आपके साथ क्या होगा। ये वीडियो जरूर शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि अगर इस तरीके से होता है तो सतर्क हो जाइए आप भी बिहार में, वरना बच्चा आपका भी चोरी हो सकता है डिलीवरी के समय में। रमेश चाचा, आप इनके पिताजी हैं, क्या नाम बोले आपने? रमेश। रमेश, हाँ। अच्छा रमेश जी, क्या क्या हुआ था आपके साथ? मैं इधर नीचे में सोया था, नीचे में सोया था, ये बच्चा इस पे परिवार मेरा इधर सोया था। कहाँ पे? यहीं पे, यहीं पे, यहीं से चोरी हो रहा था क्या? हाँ, वो लड़का उधर से आया, वो लड़का उठाया गोदी में लेकर चल दिया। चल दिया? हाँ। कोई प्रशासन की टीम, जो नर्स वर्स कोई देख रेख के लिए कोई नहीं था? कुछ नहीं था, गार्ड उड कोई नहीं था, गार्ड था बाहर में, गार्ड था। कैसे घुस गया, कैसे घुस के फिर चेक कर रहा था, उठा के बच्चा को लेके जा रहा था? वो क्यों चेक नहीं करता है कि कहाँ का नहीं है? क्या बोले, क्या बोले? वो वहाँ सर खड़े थे तो ये तो सोए थे, ये भी सोई थी बेचारी, उठाया लेके चल दिया, तो हम वहाँ बैठे थे। आप लोग कहाँ पे थे? वहीं थे, वो चार्ज कर रहे थे, वहीं मेरा भी है सरपंच। तो वो आदमी आया तो बोला कि भाई साहब इतने रात को 12 बजे रात को क्या करोगे बच्चा को? तो वो बोला कि ले जा रहे हैं घूमने के लिए, थोड़ा मेरा दोस्त आ रहा है वहाँ से, थोड़ा फोटो खींच के ले जा रहे। तो हम बोले कि तुम कर जीवन से बाहर ले जा रहा बिना पूछे बच्चा को, बिना गार्जियन बिना माँ बाप के लेके चला गया। हाँ, बिना पूछे ले गया, बिना पूछे ले गया। तो हम बोले कि उसका गार्जियन से पूछ लो तो ले जाना, हम बोले कि गार्जियन से पूछ लो। तो ये भाई साहब गए तो बोले तो छीन रहे तो दे ही नहीं रहा था, छीन रहा तो नहीं दे रहा था, बोले तुरंत ले आ रहे। फिर ना मैं इसको बोली भाई साहब को कि भाई साहब जाइए गार्ड को बुलाइए, तो बेचारे भाई साहब ले गए। आप ही छीने उससे बच्चा? छीने हम ही। क्या कह रहा था वो, क्या बोल रहे कि हम ले जा रहे हैं वहाँ पर, ले जा रहे हैं यहाँ, ले जा रहे हैं काउंटर पर, मांग रहे दूध पिलाने के लिए चाहे दवाई लिए, तो हम नहीं दे, फफेली धके बच्चा छीने। तो वो स्टाफ था? हाँ हाँ, बोलो स्टाफ। हाँ मैडम बोल रही थी। स्टाफ क्या बोल रहे हो आप, स्टाफ नहीं था यहाँ का, वो स्टाफ तो मैडम बोली ना कि मेरा स्टाफ है। उन जो नर्स ड्यूटी में थी उन्होंने बोली कि मेरा स्टाफ, वो स्टाफ नहीं था। वो नर्स पे कार्रवाई तब होना चाहिए जो बोली कि मेरा स्टाफ। अब इनसे वो मिली हुई है सर, तब तो नर्स मिली हुई है। देखिए नर्स मिली हुई है, नर्स ने, नर्स मिली हुई है, इसका मतलब? हाँ मिली हुई, पुलिस धारे थे, पुलिस ऐसे मिले हुए। ये भी नहीं बोल सकते कि नर्स मिली हुई है, आपने खुद अभी कबूला है कि उसने नर्स ने बोला। मैं तो यहाँ का सिक्योरिटी अफसर इंचार्ज हूँ, ठीक है। तो उस टाइम यहाँ पर जो भी सुपरवाइजर थे, गार्ड लोग थे, तो ये हमको ये उन्होंने बताया कि वो था, तो वो अनजान व्यक्ति है कि उसके बारे में क्या जानता है कि वो कौन है। लेकिन जो जिन्होंने ड्यूटी ऑन ड्यूटी नर्स थी, कार्रवाई होगा कि नहीं सर? नर्स पे होगा, होगा, बस होगा। साहब बोल रहे कमेटी बैठ रहा है, का खौफ का माहौल हो जाएगा ना सर, कि ऐसे बच्चा गायब हो रहा है, चोरी हो रहा है। सामने डिप्टी सिविल सर्जन साहब बोला, सिविल सर्जन साहब बोला कि उस पर अभी कमेटी बैठ रही है, 24 घंटे के अंदर में एक्शन लिया जाएगा। अगर दोषियों की तो एक्शन लिया जाएगा, जरूर लिया जाएगा, उनके साथ और कोई जो भी होगा उन पर भी एक्शन लिया जाएगा, ये डीए साहब बोले हैं। आइए बात करते हैं, क्या नाम हुआ आपका? रूबी देवी। रूबी देवी, क्या क्या हुआ है मैडम आपके साथ, क्या? हाँ उनके साथ नू हम के बाद
बच्चा आपका है? हाँ हमके बच्चा है, 15 साल पे जन्म लिया था। 15 साल के बाद आपको बेटा का सुख मिला है? और बेटा को गायब कर रहा था? कितने साल पे कौन तपस्या करने के ऑपरेशन करके बच्चा बहुत हमारे आदमी नीचे सुतर रहन, हमारे मम्मी ये सुतर रही, मामी हमारे गोड़ तारी सुतर तो बच्चा मरवत रहन, तो कहानी मामी के लाते से टेलें तो उठा ली तो कहली नहीं हूँ कि क्या बाबी, तो कहानी बबू रोत तो दूध घोर के पियावा, मामी उठ के हमारे दूध घोड़े लगली ओने से अलन तो हम कहू कि स्टाफ में सुई देवे वालू आयल वहाँ सुई देवे खातिर मुँह में जाप लगल रहन, तो कहल कि आपके बच्चा रो रहे हैं का, तो कहानी कि हाँ आपके आपके कोरे में दीजिए, तो कान के दीजिए आ हमें कोरे में ना दिला उठा के लेके टप दिन भाग गुलन भाग गुलन। हाँ तो हम अपने आदमी का बोल ना पाऊनी तौली से मनी घीच के तो उठलन, कहीं बबुआ के लेके लड़का भागत तो हमारे आदमी हमारे बोलन कि हाँ के लेके भागत, तो कहीं हम नहीं खींच ना तुम नहीं खींच जाना जा के नू कलर धो लेनी पीछे से एगो भैया जो साइड में रही गेट तो वहाँ कहीं कहते चोर हो जी धरल तो कहते ना ले जो तनिक खिलाने के लिए ना पूछे खिलाने के लिए। हाँ तो मैडम कितना उम्र रहे वो आदमी के रहे बुआ बुआ के? हाँ 35 बरस। हाँ हाँ तो कहते नू मैडम कहते रही आ कि एगो फोटो खींच के बाहर से फोन आएल छोड़ के देखावे खातिर, तो हमारे बच्चा लोग कर देखावे खातिर इतने बेंच पे बच्चा बच्चा न रहे वो चोरी करत रहे चुप चुप चाप लेके। हाँ लेके भागत रहे। हाँ लेके भागत रहे। हाँ लेके भागत। 15 साल के बाद इनको बच्चा जो है मिला है, और देखिए बच्चा जो है अभी नवजात बच्चा है, और इस सदर अस्पताल की एक स्थिति देखिए कि सदर अस्पताल में कई सारे लोग जो है यहाँ पे अपने बच्चों को लेके आए हैं, और उसके बाद जो है ये अगर घटना होती है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? सवाल ये है कि तेजस्वी यादव यहाँ के इंचार्ज हैं, डिप्टी सीएम यहाँ के इंचार्ज हैं, आरा के प्रभारी मंत्री हैं, और वो डिप्टी सीएम हैं और स्वास्थ्य मंत्री भी हैं, लेकिन उसके बाद अगर इस तरीके से आरा सदर अस्पताल की स्थिति रहेगी तो पूरा बिहार और पूरा देश खौफ खाएगा, क्योंकि अगर बच्चा होगा, नवजात बच्चा होगा, और डर रहेगी माँ के कलेजे में, बाप के कलेजे में, कि कहीं मेरा बच्चा जो है वो गायब ना हो जाए। खबर में इतना ही, आप देख रहे थे आशा एक भारत, आपका प्यार समर्थन लगातार मिल रहा है, इसके लिए आप सभी का शुक्रिया। आप जरूर बताइए और आप सतर्क रहिए, अगर ऐसा होता है तो आप लोग भी सावधान हो जाइए और इस वीडियो को खूब सारा शेयर कीजिए। जय